जय जिनेंद्र मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपके ही अपने इस YouTube चैनल को, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और पाइए न्यू वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। जय जिनेंद्र मित्रों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि अपने पहले ही मैच में पहली ही बॉल पर विकेट लेने वाले एक जैन क्रिकेटर की सच्चाई। मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन है यह जैन क्रिकेट खिलाड़ी, कौन से देश की टीम से खेलता है, साथ ही हम देखेंगे कि इस जैन क्रिकेटर ने ऐसा क्या किया जिससे मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो जिन शासन अर्थात जैन धर्म की महानता का साक्षात उदाहरण है। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, गुजरात राज्य के पवित्र शाश्वत तीर्थ श्री पालिताणा जी के मूल निवासी वरैया जैन परिवार केन्या में रहता है। मित्रों, परिवार में धार्मिक संस्कार और जिन शासन के प्रति समर्पण का अद्भुत भाव था। मित्रों, इसी वरैया जैन परिवार का लड़का, जिनका पूरा नाम श्री हीरेन अशोक वरैया है, यह वर्ष 2006 से केन्या टीम की ओर से खेलने लगे। मित्रों, भारतीय मूल के जैन लड़के का जन्म केन्या में ही हुआ था। यह जैन क्रिकेटर केन्या टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे। वर्ष 2006 से 2014 तक उन्होंने केन्या टीम की ओर से क्रिकेट खेला। मित्रों, उन्होंने भारत सहित अनेकों देशों के साथ क्रिकेट खेला। मित्रों, हीरेन वरैया अपने पहले ही मैच से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने कनाडा के विरुद्ध अपने पहले ही एक दिवसीय डेब्यू मैच में अपनी पहली ही गेंद पर कनाडा के बल्लेबाज आशीष बघाई को आउट कर दिया था। मित्रों, इस जैन क्रिकेटर ने टीम के लिए एक दिवसीय एवं T20 मैच खेले हैं। मित्रों, मुख्य रूप से यह जैन क्रिकेटर, जिनका नाम हीरेन अशोक वरैया है, यह मुख्य रूप से केन्या टीम में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर थे और अपनी टीम केन्या के लिए नंबर 7 पर बैटिंग अर्थात बल्लेबाजी करने आते थे। मित्रों, उनके क्रिकेट करियर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तो हुई जैन क्रिकेटर हीरेन अशोक वरैया के क्रिकेट जीवन की कुछ बेसिक जानकारियां। मित्रों, अब देख लेते हैं कि इस जैन क्रिकेट खिलाड़ी ने ऐसा क्या किया जिससे आपको भी जिन शासन एवं हीरेन वरैया पर गर्व का अनुभव होगा। मित्रों, साथ ही इस वीडियो को भी अभी लाइक कर दीजिए। मित्रों, जैन क्रिकेटर हीरेन वरैया परिवार के साथ स्वयं भी पूरी तरह से जैन धर्म का पालन करते थे। मित्रों, इतना बड़ा क्रिकेटर होने के बाद भी उन्होंने कभी भी कंदमूल अर्थात ऐसी अभक्ष्य वस्तुएं जो जैन धर्मानुसार निषेध मानी गई है, उनको कभी भी नहीं खाया। मित्रों, एक बार की बात है, केन्या टीम अपने 3 महीने के वेस्ट इंडीज दौरे पर गई थी। उस समय में हीरेन वरैया केन्या के प्रमुख स्पिनर बॉलर थे। मित्रों, वेस्ट इंडीज टूर में खिलाड़ियों के लिए नॉनवेज भोजन बनता था। इसी कारण से हीरेन वरैया ने मैनेजमेंट से कहा कि मैं जैन हूँ और शुद्ध शाकाहारी हूँ। इस पर टीम मैनेजमेंट ने हीरेन को चावल और दाल परोस दिए। दाल को देखकर हीरेन वरैया ने पूछा कि इस दाल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। फूड मैनेजमेंट ने कहा कि सर, इसमें गार्लिक पेस्ट है अर्थात लहसुन है। मित्रों, हीरेन वरैया ने जैन धर्म और जिन शासन की मर्यादा एवं नियमों का पालन करते हुए सहजता से कोरे सूखे चावल खा लिए। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने एक दिन दो दिन नहीं अपितु 3 महीनों तक, जब तक केन्या टीम वेस्ट इंडीज दौरे पर रही, तब तक उन्होंने मात्र चावल खाकर अपनी भूख शांत की। मित्रों, ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो इतने बड़े प्लेयर होने के बाद भी धर्म को नहीं भूलते हैं। मित्रों, जब उनकी माताजी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जिन शासन का शेर है, यदि आप शेर के सामने घास डाल देंगे तो वह खाएगा क्या? नहीं खाएगा। इसी प्रकार से मेरा बेटा भी भूखा रह जाएगा, किंतु कभी भी धर्म के विरुद्ध अभक्ष्य वस्तुएं नहीं खाएगा। इसी कारण से मेरा बेटा जिन शासन का शेर है और इसमें परिवार के धार्मिक संस्कार है। मित्रों, केन्या टीम के पूर्व क्रिकेटर श्री हीरेन अशोक वरैया जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर कीजिए। साथ ही जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।